हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिस्कशन के क्विक बुक्स के अंदर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस रन करना चाहें कि अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर क्विक बुक्स इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और वहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं क्विक बुक्स के अंदर, तो फिर किस तरीके से आप क्विक बुक्स के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस रन करेंगे कि आप किस तरह रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के और क्विक बुक्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स हैं वो आप इन्वेंट्री के अंदर वो कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर आज जो मैंने स्पेसिफिक ये टॉपिक डिज़ाइन किया है वो इन लोगों के लिए किया है कि जिनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अभी नया है, जिनको अभी इतना आइडिया नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस किस तरीके से चलाया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक जो हमारा आज है उस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्विक बुक्स के अंदर जो इन्वेंट्री है और असेंबली है और जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो किस तरीके से हम रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं, तो डिस्कशन में हमारे पास सबसे पहले तो एक चीज़ आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जो उस बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट तरह के आइटम्स प्रोड्यूस करता है एक बड़ी क्वांटिटी में और फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पे जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे ह्यूमन मशीन सेटअप होता है, यानी कि वहाँ पे लोग जो लेबर है वो भी काम कर रही होती है, मशीन्स भी काम कर रही होती है, और इन दोनों को मिलके आप एक पूरा डिवीजन बिल्ड करते हैं लेबर का, तो फिर जाके वहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार होती हैं। जो प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसमें आप डिफरेंट तरह के पार्ट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, कंपोनेंट को कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह रॉ मटेरियल होता है यानी कि जो खाम माल जिसको आप कहते हैं वो उसको आप किसी न किसी तरीके से मोल्ड करके तैयार करके एक फाइनल जो एक प्रोडक्ट होती है वो तैयार करते हैं जो मार्केट में आके सेल होती है कस्टमर के लिए, तो उसको फिनिश गुड्स भी हम कहते हैं। और वो जो फिनिश गुड होती है वो मार्केट में आपके पास स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती है, जो आप एक मार्केट से चीज़ खरीदने जाते हैं उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है कि वो चीज़ किस तरीके से बनकर आई है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो उसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि मैन्युफैक्चरर क्या होता है, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर। नॉर्मली आपने सुना होगा कि फलाना बंदा जो है वो मैन्युफैक्चरर है, तो सबसे पहले तो हम उस कैटेगरी की बात करते हैं कि कैटेगरी क्या होती है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है। वो तमाम कंपनीज जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देती हैं फिनिश गुड्स के अंदर, यानी कि वो खाम माल से एक फिनिश गुड जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। इसी तरह हम जो टर्म यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए वो उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके पास एक फैक्ट्री हो और उस फैक्ट्री के अंदर वो डिफरेंट तरह की चीज़ें बना रहा हो, तो उसको भी हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। इसी तरह जो एक वर्ड जो मैन्युफैक्चरर है इसका मतलब भी यही होता है कि आपने कोई चीज़ बनानी है मशीनरी से एक लार्ज स्केल के ऊपर, तो मैन्युफैक्चरिंग ये एक चीज़ है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है, देन मैन्युफैक्चरर है कि मैन्युफैक्चरर क्या होता है। यानी कि अगर आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जाएंगे तो वो अगर आपको ये कहे सॉफ्टवेयर का कि ये वाला सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है ये फैक्ट्रीज के लिए डिज़ाइन किया गया जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। और या आपको ये कहा जाए कि मुझे एज अ आप कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंसी आप करने जा रहे हैं, तो कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैंने अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर करवाना है, तो फिर आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि आपने इसकी कंपनी रजिस्टर करवानी है और जो कंपनी का जो स्टेटस होगा वो एज अ मैन्युफैक्चरर होगा। सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो सेल्स टैक्स में आपने जो कैटेगरी डिफाइन करनी है इस कंपनी के वो एज अ मैन्युफैक्चरर डिफाइन करनी है कि ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो इसकी जो नेचर होगी वो एज अ मैन्युफैक्चरर होगी। तो इस तरह यानी कि डेफिनेशन तो मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरर दोनों आपको पता होनी चाहिए एज अ लेमैन। अगर आप एक बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टडी करते हुए ऊपर आ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरर क्या होती है, क्योंकि ये टर्म्स आपकी डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। अगर आप जो है वो डिफरेंट जॉब सर्च के ऊपर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक इदारा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के स्किल्स से रिलेटेड जो लोग रिक्वायर्ड हैं वो आपको वहाँ पे चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो उसमें हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है इसमें कॉस्ट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं और उसमें हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट होती है उसको हम ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल क्या है कि आपने एक चीज़ तैयार करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक चेयर तैयार कर रहे हैं, एक फर्नीचर में एक पार्ट है, कंपोनेंट है चेयर, वो आप उसको तैयार कर रहे हैं, कुर्सी है आप उसको जो तैयार करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जितना भी
तैयार करने के लिए उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें वुड यूज हो रही है, उसमें पॉलिश यूज हो रही है, डिफरेंट तरह के स्क्रूज यूज हो रहे हैं उसको फाइन उसको ट्यून करने के लिए, और डिफरेंट प्रोसेस के अंदर से जो गुजर के आके वो एक चेयर तैयार हो रही है, तो वो आपकी सारी डायरेक्ट मटेरियल है जो आप यूज करेंगे. तो डेफिनेटली वो जो मटेरियल उसके अंदर यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट है. आप कहीं से वुड परचेस कर रहे हैं, रॉ वुड परचेस किया है, उसको बाद में आपने कटिंग करके उसको फाइन शेप में आप लेकर आए हैं, शेप में ला के देन उसको आपने जोड़ा है, असम्बल किया है, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग हुई है, उसके ऊपर फोमिंग हुई है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के अगर वो एक चेयर तैयार हुई है, तो वो जो पूरा पीछे जो उसके अंदर जितना मटेरियल यूज हुआ है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. और ये हमें ट्रैक करनी होती है कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, चाहे वो चेयर है या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है तैयार, उसमें मटेरियल कितना यूज हुआ है और उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी है. फिर जाहिर सी बात है जब आप फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री के अंदर ह्यूमन और मशीन दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके लेबर की कॉस्ट आ जाती है, कि डायरेक्ट लेबर की, अगर एक लेबर है जिसने वो चेयर बनाई है तो उस पर उसका कितना एक्सपेंडिचर हमारा उसके ऊपर आता है, कि एक कुर्सी बनाने में उसका एक लेबर का कितना टाइम उसके ऊपर कंज्यूम हुआ, यानी कि वो बंदा जिसने पूरी जो है वो लकड़ी को काट के शेप करके उसने तैयार करके चेयर की शेप बना ली है, तो उसका कितना टाइम लग गया. देन वो सेकंड फेज के अंदर पॉलिश वाले के पास गया, तो पॉलिश वाले ने उसके ऊपर जब पॉलिश की है, उसको पॉलिश करके फाइन ट्यून किया, तो उसका कितना टाइम उसके अंदर लगा. और देन जब आगे उसके पास फाइनल फोमिंग वाले के पास गई है कि चेयर के ऊपर जो फोमिंग हुई है या जो भी लेदराइट आपने उसको किया है, लेदर किया, तो उसका फिर कितना टाइम वहाँ पे कंज्यूम हुआ है, तो वो लेबर कॉस्ट जितनी होगी वो सारी उसके अंदर जो इन्वॉल्व हो रही है चीज़ के अंदर वो आप यूज़ करते हैं इसकी कॉस्ट के अंदर, जो उसकी पे हो रही है, सैलरी हो रही है उस वेज की, एम्प्लॉय की, तो वो इसमें डायरेक्ट लेबर के अंदर इन्वॉल्व होगी. फिर इसी तरह जो आपकी प्रोडक्ट होती है, जाहिर सी बात है जिस जगह पे प्रोडक्ट बन रही है वहाँ पे फैसिलिटी यूज़ हो रही है. अगर वो मशीन यूज़ हो रही है तो मशीन जाहिर सी बात है वो फ्री नहीं है, मशीन की कॉस्ट है, और मशीन के अंदर जो है वो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, मशीन की ऑयल है, जो भी चीज़ें. एक अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मशीन के ऊपर वुड कटिंग की और वुड कट करके उसको फाइन ट्यून में चेयर बनाने के लिए मैं उसके पीसेस वुड कट कर, तो वो जो मशीन यूज़ हो रही है वो भी मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस का वो पार्ट है, तो उसका भी एक एलोकेशन मुझे करनी है कि मशीन की जो है वो कितना परसेंट उसका मैंने एक फार्मूलेशन है वहाँ पे उसको मैंने यूज़ करना है. तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है आपकी, मटेरियल तो क्योंकि नहीं है, ये फैसिलिटीज़ हैं आपकी जो फैक्ट्री के अंदर, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं. इसी तरह जो फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री के अंदर यूटिलिटी बिल्स हो गए, बिजली यूज़ हो रही है, गैस पानी जो भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रही है, तो वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे ये चेयर्स बन रही हैं, फर्नीचर तैयार हो रहा है, तो उसका खर्चा भी आपने उसी जगह से पूरा करना है, यानी कि उस प्रोडक्ट के अंदर से ही उसका एक्सपेंडिचर आपने पूरा करना है, ताकि आप जब उसकी सेल प्राइस निकालें तो वो इतनी निकले कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो उसके अंदर पूरा एडअप सम अप होके आ रहा हो. तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ये बेसिक तीन आपने चीज़ें याद रखनी है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, या आपके जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, वो आपकी इन्वॉल्व होती हैं किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए. अब हम अगर थोड़ा सा आगे चलें तो फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने समझना है यहाँ पे, वो क्या है कि इन्वेंट्री कितने टाइप की, यानी कि जो स्टॉक होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में कितने टाइप का स्टॉक होता है जिसको हमने ट्रैक करना होता है. बहुत सारी कंपनीज इस तरीके से ट्रैक करती हैं, बहुत सारी कंपनीज नहीं ट्रैक करती. सबसे पहले तो होता है वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, यानी कि आपने बैलेंस शीट के अंदर आपने इन्वेंट्री ट्रैक करनी है कि आपके पास इस वक्त रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना पड़ा है, हर आइटम का स्टॉक कितना आपके पास अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप एक चेयर तैयार हो रही है, एक वुड की चेयर है, वुडन चेयर आप तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल क्या कंज्यूम हो रहा है, आपकी वुड रॉ मटेरियल में आपके उसके स्क्रूज हैं, आपका उसका फोम है, उसके अलावा उसके ऊपर जो है वो आपकी पॉलिश जो है वो यूज हो रही है, और देन जाके वो एक चेयर तैयार हो, तो ये सारी रॉ मटेरियल तो इसकी इन्वेंट्री आपके पास होना जरूरी है कि वुड आपके पास कितनी है, पॉलिश कितनी पड़ी हुई है, स्क्रूज आपके पास कितने पड़े हुए हैं. तो ये सारा रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है जो आपके पास ट्रैक होनी चाहिए कि एक स्टोर के अंदर आपके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है. इसके बाद फिर दूसरी जो इन्वेंट्री की टाइप होती है वो होती है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. अब वर्क इन प्रोसेस जिसको WIP भी कहा जाता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वो होती है कि एक आपका मेन स्टोर है, मेन स्टोर के अंदर कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई, और फिर वहां से आपने इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आपने इश्यू किया है फैक्ट्री को जहां पे वो चीज तैयार हो रही है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने, क्योंकि अभी तक फिनिश गुड आपकी बनी नहीं है, आपका अभी रॉ मटेरियल रॉ प्रोसेस से गुजर रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल से यानी कि स्टोर से निकल के अब जो फैक्ट्री में जितना सामान आपने इशू कर दिया है वो फैक्ट्री के अंदर अभी कितना सामान पड़ा हुआ है. बहुत सारी कंपनीज WIP इन्वेंट्री ट्रैक करती हैं, बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो WIP इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करती हैं, बल्कि वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल से कन्वर्ट कर देती हैं फिनिश गुड्स के अंदर. यानी कि जब वो रॉ मटेरियल से इशू करती हैं तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आती है बन के, तो फिर वो इन्वेंट्री उस वक्त वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स के अंदर. लेकिन नॉर्मली 3 स्टेप्स होता है कि रॉ मटेरियल से
जो इशू होता है स्टोर से वो फैक्ट्री को इशू होता है, फैक्ट्री को वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है, और फैक्ट्री में जब वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट होता है और जो फाइनल फाइन प्रोडक्ट निकल के बाहर आती है कस्टमर को सेल होने के लिए मेन आउटलेट के ऊपर आती है या मेन वेयर हाउस में आ जाती है, तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहलाती है। यानी कि आपको एक वक्त में रिपोर्टिंग के वक्त ये पता चल रहा होता है कि मेरे जो मेन स्टोर है वहाँ पे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, फैक्ट्री के अंदर जो WIP इन्वेंट्री है वो कितनी पड़ी हुई है, और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो कितनी पड़ी हुई है, यानी कि मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गई है कस्टमर के लिए वो कितनी पड़ी हुई है। तो ये तीन तरह की इन्वेंट्री ट्रैकिंग होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो आप अगर रिपोर्टिंग करने जाएंगे आगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कभी इंटरव्यू में, आप जॉब सर्च में जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के आंसर पता होने चाहिए कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्या होती है, WIP इन्वेंट्री क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस जिसको आप कहते हैं, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्या होती है। फिर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, तो हमने अब इन तमाम जो जनरल डेफिनेशंस थी इनको हमने लिंक करना है क्विक बुक के साथ, कि अगर हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने जाएं क्विक बुक के अंदर, तो क्विक बुक के अंदर हम इन चीज़ों को डिज़ाइन कैसे करेंगे, इनको लेआउट इनका कैसे डिज़ाइन करेंगे कि हमें ये सारी रिपोर्टिंग मिलना शुरू हो जाए जो कि एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग के कोर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, ये सारे हमने डिजाइन करने होंगे आइटम लिस्ट के अंदर। अब आइटम लिस्ट के बारे में मैंने काफी डिटेल में इस चैनल के ऊपर मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आइटम लिस्ट रिलेटेड एक पूरा कंप्लीट लेसन मौजूद है इस चैनल के ऊपर, आप उसको देख ले तो आपको समझ आ जाएगी कि आइटम लिस्ट क्या होता है। तो आइटम लिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे जाके आपने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट्स या आपने इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट करनी है, तो फिर जाके हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री पार्ट के अंदर जाके आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इन्वेंट्री पार्ट्स के अंदर जो हम आइटम क्रिएट करेंगे वो हमारे रॉ मटेरियल होंगे, यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो हम सारा इन्वेंट्री पार्ट बनाएंगे, तो वो इन्वेंट्री पार्ट के अंदर ही जाके आगे सारे ट्रैक होंगे। तो आपने दोबारा वो आइटम लिस्ट वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि इन्वेंट्री पार्ट क्या होता है और उसको किस तरीके से टर्न ऑन किया जाता है और किस तरीके से हम नए आइटम्स इन्वेंट्री पार्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसी तरह नॉन इन्वेंट्री पार्ट होता है, नॉन इन्वेंट्री पार्ट वो वाले पार्ट होते हैं जिनकी हम सिर्फ कॉस्ट मॉनिटर करना चाहते हैं, उनकी हम क्वांटिटी मॉनिटर नहीं कर रहे होते, यानी कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी वैल्यू की ये चीजें पड़ी हुई है, हम ये नहीं देखना चाहते कि कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। मैंने जैसे कि आपको एक एग्जांपल दी थी कि मेरे पास आपको बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम चेयर एक बनाने जा रहे हैं, अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर के अंदर मैंने जिक्र किया था स्क्रूज का, अगर आपको मैंने बताया था कि वुड उसके अंदर यूज हो रही है, उसके अंदर पॉलिश यूज हो रही है, उसके अंदर फोम यूज हो रहा है, उसके अंदर स्क्रूज भी यूज हो रहे हैं जो उसको चेयर को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। अब स्क्रू इतनी बेसिक सी चीज है कि आप स्क्रू को काउंट नहीं कर सकते उसके अंदर के वो स्क्रू इतने ज्यादा, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर जो है वो हजारों के हिसाब से स्क्रूज हो सकते हैं और आप स्क्रू लगाते वक्त गिर सकता है, टूट सकता है, तो एक एक स्क्रू को आपके लिए काउंट करना इम्पॉसिबल है, या सिर्फ आपको उसकी वैल्यू पता होती है कि मैंने जो है वो इतने वैल्यू के स्क्रूज परचेज किए और मेरे पास स्टॉक में इतने, जितने कंज्यूम हो गए रिमेनिंग इतने रह गए, तो वो नॉन इन्वेंट्री पार्ट होता है। आप उसको ट्रैक करना चाहें तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको रहने दें। फिर उसके बाद अदर चार्जेस का इन्वेंट्री आइटम होता है, क्विक बुक के अंदर आप उसको क्रिएट करेंगे अदर चार्ज के नाम से। अदर चार्ज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट लेबर हो सकती है, इनडायरेक्ट आपकी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, अगर वो आप उसको चार्ज करना चाहते हैं तो आप सबको लिंक करेंगे अदर चार्ज के अंदर। और इस तरह शिपिंग हो सकती है कि आप शिपिंग का कोई आइटम, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी प्रोडक्ट का कंपोनेंट आप बनाना चाहते हैं जिसका लिंक आपकी इन्वेंट्री के साथ नहीं है बल्कि एडिशनल चार्जेस है, तो फिर आप अदर चार्ज के अंदर वो आइटम क्विक बुक्स के अंदर क्रिएट करेंगे। यानी कि जो तीनों आइटम है, इन्वेंट्री पार्ट, नॉन इन्वेंट्री पार्ट और अदर चार्ज, ये तीनों क्विक बुक्स के अंदर क्रिएट होंगे आपकी इन्वेंट्री प्रोसेस को बनाने के लिए। तो आपने इन्वेंट्री आइटम लिस्ट जो है, मैंने आपको जिस वक्त शुरू में क्विक बुक्स में पढ़ा रहा था, अगर आप शुरू के मेरे लेसन देखें तो उस वक्त भी मैंने बार बार मैंने ये चीज बताई थी कि इन्वेंट्री को आपने बहुत गौर से पढ़ना है। इन्वेंट्री आइटम यानी कि आइटम लिस्ट को आपने जितना ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया, आप उतने अच्छे तरीके से क्विक बुक्स को आगे चला सकते हैं। और ये उसमें एक, अब आप देखें कि मेन ही आपकी आइटम लिस्ट ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यूज होने जा रही है। तो अपना अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है आइटम लिस्ट का, तो आप जाके पहले आइटम लिस्ट से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और तब ही जाके आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को रन कर सकेंगे क्विक बुक्स के अंदर। अब हम एक स्टेप आगे चले, तो अब अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हम क्विक बुक्स के अंदर रन करते हैं तो वो फिर हम क्या करेंगे कि जो पहले हमने रॉ मटेरियल, हमने इन्वेंट्री पार्ट हमने बना लिया, हमने अदर चार्ज बना लिया, हमने नॉन इन्वेंट्री पार्ट बना लिया, उसके बाद अब हम अगर प्रोसेस को रन करेंगे तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेंट्री असेंबली बनानी पड़ेगी। अब इन्वेंट्री असेंबली क्या है, इन्वेंट्री असेंबली ये है कि मैंने रॉ मटेरियल को जिस वक्त कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, उसकी एक खास कॉस्ट थी, उससे मैंने एक फिनिश गुड बना दी, वो जो फिनिश गुड होगी वो मेरा इन्वेंट्री असेंबली होगी।
अब इन्वेंट्री असम्बली क्या है, इन्वेंट्री असम्बली से नाम से ही जाहिर है कि असम्बल्ड होगी एक चीज़, कि वो अब एक पार्ट भी हो सकता है, कंपोनेंट भी हो सकता है जो फर्दर एक और आगे चीज़ में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसके स्टेप्स भी हो सकते हैं। इन्वेंट्री असेंबली दो तरह की हो सकती है, ये फिनिश गुड भी हो सकती है जो डायरेक्ट आप सेल कर रहे हैं, और ये कंपोनेंट भी हो सकता है। कैसे, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने अगर एक प्रोडक्ट रेडी की है, प्रोडक्ट मैंने क्या रेडी की है, मैंने ये रेडी की है कि मैंने उसकी वुड की कटिंग की, और वुड की कटिंग करके मैंने उसकी फ्रेमिंग कर दी, फ्रेमिंग करके उसको स्क्रूज लगा के मैंने अगले डिपार्टमेंट में भेज दी। अब वो जो वुड यूज हो गई, उसकी फ्रेमिंग हो गई, तो वो एक कंपोनेंट स्टेप वन पे रेडी हुआ है, स्टेप वन का कंपोनेंट रेडी हुआ है, यानी कि वो रॉ चेयर रेडी हो गई है। अब आगे वाला जो डिपार्टमेंट है वो उसने पॉलिश करना है उसको, और उससे आगे वाला जो डिपार्टमेंट है उसने उसकी फोमिंग करनी है। तो तीन स्टेप्स के अंदर जाके वो चेयर कंप्लीट हो रही है। तो अब पहले एक फेज में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हुई है। मैन्युफैक्चरिंग किस तरह हुई है कि उसकी मैंने शेपिंग की है, शेपिंग करके उसको मैं चेयर की फॉर्म में वुड को ले आया हूं। तो जब यहां पे आएगी, तो अगर मैं यहां पे उसकी असेंबली इन्वेंट्री बना देता हूं, तो मेरे पास ये फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वाले बंदे ने उसके अंदर सिर्फ पॉलिश ऐड करनी है, और उससे अगले डिपार्टमेंट ने उसके अंदर सिर्फ फॉर्मिंग करना है या उसकी लेदराइट उसकी चेयर बनानी है, तो उसको रेडी कर देना है। तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मैं एक ही रेसिपी बनाऊं, क्विक बुक्स के अंदर डिजाइन करूं, जिसके अंदर वुड हो, पॉलिश हो, इसी तरह फिर उसके स्क्रूज हैं, आपका जो उसमें सीटिंग के कवर है ऊपर लेदराइट हो रहा है, या आपका फोमिंग शीट उसके ऊपर आप लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट कन्वर्ट करके फिनिश गुड बना के आप मार्केट में उसको दे सकते हैं। तो इन्वेंट्री असेंबली होती है। तो ये क्विक बुक के अंदर हम आगे जाके इन्वेंट्री असेंबली का हम देखेंगे कि इन्वेंट्री असेंबली कैसे बनाई जाती है। फिर क्विक बुक्स के अंदर एक और कंपोनेंट आता है, बिल्ड असेंबली प्रोसेस। अभी क्विक बुक के अंदर एक पूरा मॉड्यूल है जो रॉ मटेरियल से एक कमांड के अंदर कन्वर्ट कर देता है पूरी एक फिनिश गुड को। यानी कि हम क्विक बुक्स को एक रेसिपी डिफाइन करवा देते हैं, क्विक बुक्स को एक पूरे कंपोनेंट की लिस्ट बना के हम दे देते हैं कि ये कंपोनेंट इतनी इतनी क्वांटिटी में हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और एक फाइनल चीज को बनाने के लिए। तो वो जब हम उसको ये एक कमांड दे के बना देते हैं, और उसको हम बता देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास रॉ मटेरियल एक इनफ, जो मेरी सफिशिएंट क्वांटिटी मुझे रिक्वायर्ड थी वो मौजूद है, और उसको मैं कहता हूँ कि अब मेरी फैक्ट्री में एक प्रोसेस, एक पूरा बैच रन हुआ, और उस बैच रन के अंदर मैंने 100 चेयर्स बनाई हैं सेम स्टैंडर्ड्स की, सेम शेप की। तो जब 100 चेयर्स मैंने बना दी, तो क्विक बुक के अंदर उस 100 चेयर्स का मैं कैसे रेडी करूंगा कि वो मेरी रॉ मटेरियल सारी कंपोनेंट सारों को यूज करता हुआ एक फाइनल फिनिश गुड्स बना दे। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बिल्ड असेंबली प्रोसेस कहते हैं, बिल्ड असेंबली प्रोसेस। तो ये हम आगे जाके डिटेल में काफी देखेंगे कि बिल्ड असेंबली प्रोसेस क्या होता है। और इसी तरह फिर क्विक बुक्स के अंदर एक और जो टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड पेंडिंग बिल्ड। पेंडिंग बिल्ड क्या है कि अगर आपकी किसी भी तरह से किसी भी स्टेज पे आके कोई ऐसी रॉ मटेरियल के अंदर या किसी भी कंपोनेंट की शॉर्टेज हो जाती है, आपकी असेंबली रुक जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, क्विक बुक के अंदर उस असेंबली को भी रोक देते हैं, प्रोसेस को भी रोक देते हैं। दैट इज कॉल्ड बिल्ड, पेंडिंग बिल्ड। एग्जाम्पल उसकी ये है कि मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे हम एक चेयर बना रहे हैं, डिपार्टमेंट वन ने क्या किया कि उसकी शेपिंग करके, चेयर की शेपिंग करके डिपार्टमेंट टू में भेज दी, जहाँ से उसने पॉलिश करनी थी, जहाँ पे पॉलिशिंग होनी थी। लेकिन पॉलिशिंग वाले डिपार्टमेंट के पास जाके पता चला कि पॉलिश शॉर्ट है, इतनी पॉलिश अवेलेबल नहीं है कि वो 100 चेयर्स के ऊपर पॉलिश हो सके। तो जाहिर सी बात है, जब तक अब पॉलिश अवेलेबल नहीं होगी, उस वक्त तक प्रोसेस, जो असेंबली का प्रोसेस है, वो आगे फर्दर रन नहीं हो सकता। तो इस वजह से वो जो प्रोसेस होगा वो रोकना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पेंडिंग बिल्ड। तो क्विक बुक्स के अंदर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिर इसी तरह जो सबसे आखिरी चीज जो आपको डिस्कस होगी वो होगी बिल ऑफ मटेरियल। यानी कि बिल ऑफ मटेरियल क्या चीज है, वो हम एक पूरी लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर, क्विक बुक्स के अंदर, कि वो इस चीज को फाइनलाइज करेगी कि ये सारा जो बिल है, मटेरियल की पूरी लिस्ट है, इसको कंज्यूम करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है उसकी कॉस्ट कितनी हुई है। यानी कि एक चेयर जिसके अंदर वुड थी, पॉलिश थी, उसके ऊपर स्क्रूज उसके यूज हुए हैं, उसके ऊपर एक लेदराइट अगर है तो लेदराइट उसका ऊपर फैब्रिक यूज हुआ है, या अगर आप उसमें दूसरा फैब्रिक चेयर थी तो फैब्रिक आप उसकी यूज हुआ है, तो इन सबको मिला के ये चेयर कंपनी को कॉस्ट कितने की गई है। तो वो जो जितने की कॉस्ट की है उसका पूरा एक बिल बनता है, दैट इज कॉल्ड अ बिल ऑफ मटेरियल। तो वो क्विक बुक्स के अंदर हम किस तरीके से बिल ऑफ मटेरियल डिजाइन करेंगे, तो ये सारी चीजें क्विक बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं। क्विक बुक्स के अंदर जाने से पहले हमें ये चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी थी कि जब तक हमारी ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हमें क्विक बुक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस समझ नहीं आएगा। बेशक मैं वीडियो बना दूं, लेकिन उस तरह समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने हमेशा की तरह पहले किसी भी मॉड्यूल के अंदर जाने से पहले मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, ताकि पहले आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लें कि टॉपिक हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक को जब हमारी ग्रिप हो जाए तो फिर देन हम उस टॉपिक को प्रैक्टिकली क्विक बुक्स के अंदर करके देख लें।
तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने कम्युनिटी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास ऐसी वसाइल नहीं है, जिनके पास या तो इतने पैसे नहीं है कि वो क्विक बुक्स की ट्रेनिंग पैसे देकर हासिल कर सके। ये चैनल उन लोगों के लिए है कि वो आसानी से अपने स्किल्स डेवलप कर सकें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक अच्छे तरीके से बाइज़त तरीके से रोज़गार कमाई कर सके। अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन सॉफ्टवेयर का स्किल नहीं होता, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि क्वालिटी ट्रेनिंग उनको मिल जाए लेकिन नहीं मिल रही होती, पेमेंट कई लोगों के पास नहीं होती वो पेमेंट करने के क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा है ट्रेनिंग्स के। तो कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें इस लिंक को ताकि वो लोग भी सीख सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही, जा रहे हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्विक बुक्स के अंदर हम अब किस तरीके से कर सकते रहें। तो जहाँ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगे बान।